प्रजा फाउंडेशन की तरफ से आज ये पुरस्कार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन जी और मिस्टर चुपे सोरेन जी चीफ सेक्रेटरी सर एंड उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी छात्रगण, मीडियाकर्मी, प्रजा फाउंडेशन के स्टाफ और अतिथिगणों की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं अनुरोध करूँगा सोन साहब को एक छोटा इंट्रोडक्शन देने के लिए। जो काम हम लोग यहाँ पूरे झारखंड में कर रहे हैं इसका स्किल डेवलपमेंट स्किल में के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तत्वावधान में प्रेजा फाउंडेशन के द्वारा संचालित कल्याण गुरुकुल के माध्यम से प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के लिए प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मंच पर विराजमान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, मुख्य सचिव झारखंड श्री सुखदेव सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय चौबे जी, कार्यक्रम में उपस्थित स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के समन्वयक श्री गणेश टुप्पो जी, प्रेजा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, कल्याण गुरुकुल से ट्रेनिंग प्राप्त सभी युवा साथी और मीडिया के उपस्थित सज्जन रहे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों या प्रशिक्षणार्थियों के लिए रोजगार उन्मुख ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है और जिसमें कल्याण ग्रुप के माध्यम से इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और ये ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती है बल्कि इसमें प्लेसमेंट भी महत्वपूर्ण होता है। तो जो हमारे जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए लगभग एश्योर एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जाती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये इस राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और आज जो दो गुरुकुल हैं, कल्याण गुरुकुल एक खूंटी और एक जमशेदपुर, दोनों के जो ट्रेनीज हैं उनको प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ और प्रेजा फाउंडेशन के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वो बहुत ही ब्रीफ में अपने कार्यकलाप के बारे में सभा को अवगत कराएं। मैं अपने प्रजा फाउंडेशन की तरफ से श्री मीनाक्षी कुमार जो हमारे प्रोजेक्ट है उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो थोड़े ब्रीफ में अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। धन्यवाद। एक जोरदार तालियों से स्वागत।
one ITI college, and we are in the process of inaugurating two more coastal colleges in Latehar and Jamtara this year, and we also have plans to open one in Gondar for the October 2020 batch. We have 28 gurukuls in all districts except Lower Ganga and Sahib Ganj. We request the permission of the August audience to just play a 2-minute video on our coastal college in Nagatoli behind Nucleus Mall. वाकई में कुछ एक अलग सा जगह है जहाँ बच्चों के लिए के फ्यूचर को लेकर के इतना शांत वातावरण है और इतने शांत वातावरण में एग्जाम भी हो रहा है। सबसे बड़ी खास बात तो मुझे ये लगी कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो वेल प्रिपेयर्ड होकर के एग्जाम दे रहे हैं। So what I found here that girls are really very dedicated towards their career, and what the facilities they are getting are really very good, because I have visited to many of the diploma colleges, ITI colleges and as well engineering colleges, but whatever the facilities they are getting and the environment and ambience are really very good. सीएनसी अगर हम बात करते हैं तो सीएनसी जो कि बहुत ही एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी सारी बच्चियों ने बहुत ही अच्छा अपना रोल प्ले किया। उन्होंने जो उनके पास जो स्किल्ड मैंने देखा वो अगर कंपैरिजन हम करते हैं दूसरे आईटीआई कॉलेजेस से, तो इनमें बहुत ही बेहतर प्रशिक्षण दिया गया है इन लोगों को यहाँ के फैकल्टीज़ के द्वारा। ना ही ये लोग प्रैक्टिकल में बल्कि थ्योरेटिकल में भी ये लोग बहुत ही बेहतर हैं, और इसके साथ साथ डिसिप्लिन में भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मेरे को देखने को मिला। बच्चे आउटस्कर्ट रूरल एरियाज आए हैं, बहुत गांव से आए हैं जहां कलनरी टर्म्स बहुत मुश्किल होता समझना, लेकिन जब मैंने आके यहां देखा तो बच्चों में इतनी सहजता इतनी आसानी से बच्चे समझ रहे हैं चीज़ों को और कलनरी से खेल रहे हैं। मैं एज अ शेफ बता सकता हूं कि बच्चे नियुक्ति
पत्र वितरण समारोह में राजकीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के मुख्य सचिव, विभाग के सचिव और उपस्थित जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए हुए छात्र छात्राएं, पत्रकार बंधु और प्रजा फाउंडेशन देश भी अधिकारीगण, सभी को हमारी ओर से जोहार नमस्कार। आज हम ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी को तकनीकी शिक्षा जो गुरुकुल के माध्यम से दिया गया और उन्हीं को आज हम एक नियुक्ति पत्र दिया जाए देने के लिए आयोजन किया। ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी निर्भर करते थे, खेती करते हैं और जीवन यापन करते हैं। उस किसान के बेटा बेटी को आज हम लोग जो विभाग की और आज की जो इच्छा ग्रामीण क्षेत्र किसानों की घर का बेटा बेटी को हम शिक्षित करके प्रशिक्षण देके ताकि उनको उद्योग जगत तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय है क्योंकि ये विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से आया है, कोई जंगल कर लीजिए गांव है, किसी का दूर ग्रामीण क्षेत्र है। इसलिए हम इस राज्य के अंदर में ऐसे बहुत से इसी तरह का हम लोग टेक्निकल शिक्षा देने जा रहे हैं। उसमें से ये जो आज नियुक्ति दिया जा रहा है वो अच्छा बड़ी कंपनी में इन लोग का नियुक्ति हो गया और अपना परिवार को एक जो आज का युग में उसको साथ लेने का काम करेंगे। इन बच्चों को उस ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा प्रसार प्रसार होगा कि सरकार की जो सोच है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे कि आज इस राज्य सरकार के माध्यम से जो विभाग की ओर से जो गुरुकुल के माध्यम से जो तकनीकी शिक्षा दे के उनको नियुक्ति दिया जा रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक है, राज्य के लिए भी लाभदायक है। जो युवा बेरोजगार है, जो युवा आय रोजगार के लिए है, आज वही कदम को राज्य सरकार की ओर से बढ़ाया गया है ताकि कोई भी देश के अंदर या बाहर या तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सके ताकि वो अपना संसार अपना परिवार को साथ में आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम और ज्यादा कुछ न करके आज का जो इस हेमंत सोरेन सरकार का सोच है कि साल एक नियुक्ति के साल भी है, इसीलिए आज कोरोना से जैसे उभार के हम लोग आ गया इसका बाद नियुक्ति भी आज शुरू हो गया। इसीलिए हम सभी जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए छात्र छात्राएं को हम शुभकामना देंगे कि आप उनका भविष्य उज्जवल हो। आप जिस मकसद से आपका माँ पिताजी ने पढ़ाई कराया उसका भावना को भी आप लोग सम्मान देंगे, आप गांव को भी एक दिन आप लोग शिक्षा देंगे। यही शुभकामना के साथ अपना विचार समाप्त करते हैं। जोहार। मंत्री जी को अपना इस तरह से हम लोग का हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब
ठीक है। तो मैंने कुछ मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को मैं करीब 20 लड़कों को यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ, एक एक करके नाम लूंगा। आप यहाँ आएंगे, सीएम सर और मंत्री जी आपको ऑफर देंगे। नाम ले रहा हूँ मैं, पहला मुझे और पर बनती सब प्रकार से आ रही है फिक्र से। उसके बाद मोहन जी चौकड़ो, एक एक करके आइए। राजेश हेम्ब्रम, मनोज कुजूर,
मनोज को जो निशांत कुमार यहां प्रेजेंट बिल्डिंग के इस सभागार में फिर से एक और सुखद दिन का आगाज हुआ है। इस वैश्विक महामारी के बीच निरंतर झारखंड सरकार यहां के ग्रामीणों, किसानों, वंचितों, नौजवानों, महिला पुरुष, बेरोजगारों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगी हुई। आज इस क्रम में परिहार फाउंडेशन के माध्यम से फिर से बड़े पैमाने पर यहां पर हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को शिक्षित कर उसको उसमें उसे क्षमता विभिन्न क्षेत्रों के योग बनाते हुए उनके लिए रोजगार के रास्ते खोल रहे हैं। आज लगभग 238 बच्चों, जिसमें एसटी एससी ओबीसी के हमारे विशेषकर बच्चे हैं, इनको आज यहां नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम में सरकार के कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय चंद्र सोरेन जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव, विभागीय सचिव,
हमारे सचिव और यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रजा फाउंडेशन के सभी सदस्यगण और विशेषकर यहाँ आज जिंदगी की नई राह पर चलने के लिए तैयार हमारे नौजवान साथियों को इस सभा के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। जिस समय हमारी सरकार नहीं थी, सरकार बनते ही ठीक से हम लोग अपने अपने ऑफिस चेयरमैन भी नहीं देख पाए थे। दुनिया का एक वैश्विक महामारी कोविड-19 ने हम लोगों को घेर लिया, सब कुछ ठप, हर लोगों को घर में ताला बंद करने के लिए, ताला बंद करके अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाट बाजार गाड़ी घोड़ा काम धाम, मानो दुनिया रूसी गई। ऐसी आपदा गरीब पिछड़े राज्यों के लिए बहुत बड़ा मिसाल होता है। गरीब बाहर निकले तो भी मरे, घर पे रहे तो भूखा मरे। बहुत ही गरीबों के लिए ऐसी आपदाएं पीड़ादायक तकलीफ देने वाले हैं। लेकिन आज राज्य में जो आपकी सरकार है, जिसको चलाने का जिम्मा आप लोगों ने हमें दिया है, इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, गरीब दुर्वा वंचितों को
कि कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, कैसे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम लोग अपने पैरों पर लोगों को खड़ा करें। और हमारा मानना है, हमारा जो 80% से अधिक आबादी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गुजर बसर करते हैं, उनको कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे उनकी आय में वृद्धि कराया जाए, तो अनेकों योजना के माध्यम से अभी मुख्यमंत्री रोजगार योजनाएं चल रही, पशुधन योजनाएं चल रही है, फूल और धान्य योजनाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर राज्य में जो हमारी महिलाएं हड़िया दारू बेचती हैं उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अभी तक 15,000 महिलाएं जो हड़िया दारू बेचती है उनको हड़िया दारू छोड़ करके हम लोग मूल धारा में ला करके रोजगार हम लोगों ने उपलब्ध कराया। और हमारा ये लक्ष्य है कि हमारी यहां मां बहने जो अपने आर्थिक तंगी के अभाव में ये घृणित काम करते हैं, ये पीड़ादायक काम करती हैं, उससे इनको निजात हम दे पाए। इसी क्रम में प्रजा फाउंडेशन से भी इससे पहले इसी सभागार में कार्यक्रम हुआ, बड़े पैमाने पर लगभग 800-900 बच्चियों को 1,000 लगभग 907 बच्चियों को A&M का ट्रेनिंग देकर के उसको नर्स बनाने का काम किया। जब दूसरे शहरों में हम जाते थे तो एक चीज हमें बहुत पीड़ा कर देता था, वो ये कि अगर हम उधर चेन्नई, बंगलोर, साउथ की तरफ देखें तो वहां की महिलाएं नर्स, और इधर झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा देखें तो यहां की महिलाएं दाई। बहुत मैं कई घरों में जा गया, वहां भी यहां की बच्चियों को काम करते देखा। हमने नर्स की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया। इससे पहले थोड़ा वक्त मुझे वक्त मिला था राज्य को दिशा देने का, उस समय भी कई नर्सिंग कॉलेजेस को हम लोगों ने अप्रूव किया ताकि हमारी बच्चियां अधिक से अधिक नर्स बन सके। और आप सभी नौजवान युवा यहां उपस्थित हैं, अब हम इस लक्ष्य का दायरा बढ़ा रहे हैं। आज नर्सिंग के क्षेत्र में महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी जा सकता है, इसलिए आपको आने वाला समय में हमारे नौजवान भी पुरुष नर्स का काम कर सकते हैं, आप उसका ट्रेनिंग ले सकते हैं। और बहुत बड़ा उसका दायरा है, आज के दिन में पुरुष नर्स नहीं मिलता और जहां कुछ है भी तो इतने अधिक पे स्केल पर इतना उसका अधिक तनखा है तो उसको आप ज्यादा समय तक नहीं दे सकते, वो बड़े बड़े अस्पतालों में ही आपको यदा कदा दिखेंगे। यहां से कई मरीजों को हम लोग हेलीकॉप्टर, जहाज से दूसरे दूसरे राज्यों में भेजते हैं, लोग जाते हैं, उसमें पुरुष नर्स का ही उपयोगिता होता है। तो इसमें हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, आप लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और इसमें भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, आप कहीं पर भी देश विदेशों में आप काम कर सकते हैं। आज प्रजा फाउंडेशन के माध्यम से लगभग 15,000
ट्रेनिंग देकर के अलग अलग जगहों पर भेजकर रोजगार से जोड़ा गया। अब उसमें से लगभग 1000 से अधिक बच्चे तो विदेश तक जा चुके हैं, विदेशों में रोजगार। और हमारे नौजवानों में ये क्षमता है, ये हमें पता है बेचारे, लेकिन इनको तराशने वाला कोई नहीं। आज प्रजा फाउंडेशन की तरफ से जो गुरुकुल चलाया जा रहा है, इसमें हम इस राज्य के नौजवानों को बेहतर से बेहतर तरीके से तराश कर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। आज आपने देखा होगा, सुना भी होगा, हम लोगों ने अभी हाल में इस राज्य में जो खिलाड़ी लोग बहुत बड़े पैमाने में सिमडेगा से लेके पूरा कोल्हान से लेके पूरे राज्य में अलग अलग, कहीं हॉकी तो कहीं तीरंदाजी तो कहीं फुटबॉल, तो अलग अलग खेल में हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां दुनिया में अव्वल आते हैं। लेकिन गरीबी की मार ऐसी कि बेचारे उनको दो वक्त का अनाज नहीं मिलता। तो हम लोगों ने पहली बार राज्य के अंदर 20 वर्षों में पहली बार, इससे पहले जब हम सरकार में थे उस समय थोड़ा हम शुरू किए थे, लेकिन हमारी सरकार चली गई, वो योजना भी बंद हो गई। फिर आपकी सरकार बनी है, पहली बार हम लोगों ने 100 लड़कों को सीधी नियुक्ति और ऑफिसर स्पोर्ट ऑफिसर बहाल किए, ये और ये आंदोलन चलता रहे। खिलाड़ियों का भी हम लोग अब खेती करेंगे यहां और देश दुनिया में भेजेंगे और राज्य का नाम रोशन करेंगे और उनको पूरा सपोर्ट राज्य सरकार करेगी। पढ़ने के क्षेत्र में भी आपको पता होगा, हमारे बच्चे इतने गरीब गुरुआ घर द्वार से आते हैं, खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर किसी तरह पढ़ लिख लेता, जो बहुत अच्छा पढ़ने में है उसको विदेशों से ऑफर आ रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन पैसे के अभाव में बेचारा नहीं जा पा रहा। अभी कल परसों ही आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने 7 आदिवासी बच्चों को विदेश में सरकारी खर्चे पर पढ़ने के लिए भेजा। अभी कई ऐसे अवसर हैं, अभी हम लोग मनरेगा में भी लगभग, हमको तो लग रहा है कि इस नियुक्ति काल जो नियुक्ति साल हम लोग मना रहे हैं, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जेपीएससी के माध्यम से लगभग 230 लोगों नौजवानों को रोजगार मिला, 600 डॉक्टरों की हम लोगों ने बहाली की, नर्स के बारे में आपको बताया ही। अभी उसके बाद डीएसओ हम लोगों ने 24 बहाली की, अभी उधर चायबासा कोल्हान क्षेत्र में एसीसी सीमेंट है, वहां पर लगभग 150 बच्चों को हम लोगों ने उस कंपनी में परमानेंट रोजगार दिलाने का काम किया। टेक्सटाइल में जो महिलाएं जो हमारी बच्चियां लॉकडाउन में लड़कियां जो दूसरे दूसरे राज्यों में कपड़ा सिलाई करने का काम करती थी, वहां पर उन सब बच्चियों को बंदर बना दिया सर, आने ही नहीं देता। और वहां ये कोरोना काल में उन लोगों से जबरदस्ती खटवाता था। हम लोगों ने अलग अलग मोबाइल नंबर और ऑनलाइन व्यवस्था से उनकी संपर्क उन लोगों से साधा, उन लोगों ने हम लोगों से मदद मांगी, वहां से सभी लड़कियों को उठाकर ला करके लगभग यहां पर 200 लड़कियों को टेक्सटाइल कंपनी में रोजगार देने का काम हम लोग, वहां पर इन लोग को 6,000-7,000 रुपए तनख्वाह मिलता था, आज अपने ही राज्य में उसको 10,000 रुपए तनख्वाह मिलता है। तो ऐसे कई चीजें नगर विकास विभाग में भी अलग अलग जिलों में 150 लोगों की नियुक्ति हुई,
मनरेगा के माध्यम से 500 लोगों की नियुक्ति हुई, अभी उसमें और भी नियुक्ति होनी है। और इसके साथ साथ अभी बहुत जल्द बहुत कई चीजें जो बरसों से टिकी हुई थी, आपने देखा 6 या 7 साल हो गए जेपीएससी एक भी परीक्षा नहीं ले पाई थी, अभी जेपीएससी की अभी परीक्षा हुआ जिसमें 2.5 लाख से 3 लाख तक बच्चों ने एग्जाम दिए। कई चीजें पेंडिंग, कई चीजें लटक पटक करके यहां चल रही है। और यहां पर थोड़ा सा कुछ तत्व लोग हैं, कुछ तत्व हैं जो इन सब चीजों को बाधित भी करते हैं, उन सब समस्याओं का निदान करते हुए अभी बहुत जल्द हिस्ट्री सिविक्स में जो शिक्षकों की बहाली होने है, लगभग 700 शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जल्द निकलने जा रही है, वो भी अब सरकार का एक हिस्सा बन के काम करे। ऐसे कई चीज आज प्रजा फाउंडेशन के माध्यम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, सापुर जी, पालन जी, ऑटोमोटिव एक्सेल में और कई ऐसे कंपनी, बड़े बड़े कंपनियों में जा रहे हैं, कोई वेल्डर बनकर, कोई कारपेंटर बनकर, कोई प्लम्बर बनकर। और आप लोग को बताएं, सरकार भी बहुत बड़े पैमाने पर आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल रहे हैं। आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया, आप लोगों ने सरकार प्रजा फाउंडेशन के माध्यम से आपको रोजगार भी कम से कम 15,000 मिनिमम वेजेस पर, मिनिमम तनख्वाह पर आप काम करेंगे। इस पे मैं एक चीज सुझाव दूंगा कि आप या सरकार के माध्यम से इसका एक इंपैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए, ताकि वर्तमान स्थिति में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी जो सिचुएशन है वो अपडेट होता रहे और इस प्रोग्राम से और भी अधिक जोड़ा जा सके। और इसके साथ साथ आप सभी नौजवानों को हम बताएं कि आप तो अब नियुक्ति पत्र लेके जा ही रहे हैं, इसके अलावा अगर आप खुद भी अपना वेल्डिंग का काम करना चाहते हैं, आप अपना दुकान चलाना चाहते हैं, आप अपना कारपेंटरी का काम करना चाहते हैं, आप अपना प्लम्बर का काम करना चाहते हैं, आप कोई सिलाई कढ़ाई का काम करना चाहते हैं या इस तरीके की कोई भी काम करना चाहते हैं, इसमें भी सरकार बड़े पैमाने पर आपको लोन देने का भी योजना प्रारंभ कर रखी है सीएमएजीपी के माध्यम से। 25 लाख रुपया तक का सरकार की तरफ से लोन आपको उपलब्ध कराया जाएगा सब्सिडी पर, और आप अपना दुकान, अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आप वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग के सारे सामान खरीदिए, प्लम्बर करना है, प्लम्बर का सारा सामान आप ये लेकर के आप सैनिटरी दुकान भी खोल सकते हैं, प्लम्बर मशीन भी खरीद सकते हैं इत्यादि। आप व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप लोग जा सकते हैं और वो आपका जो हुनर है जो गुरुकुल में आप लोगों ने पाया है वो आपको निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ा, आप तो अभी आप खुद रोजगार लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों की इच्छा शक्ति रही, आप लोगों ने मेहनत और ईमानदारी से की, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके अंदर में 10 और 1 दर्जन बच्चे काम करते हुए जाएंगे। और पूरी तरीके सरकार आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए आज इस राज्य के लिए, हमारे इस राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले नौजवानों के लिए बहुत सुखद दिन के रूप में हम इसको आज देख रहे हैं। और ये अनवरत चलता रहेगा और हमारा प्रयास है, सरकार का नौकरी बहुत लोग इसके आस में रहते हैं,
उपयोग करे तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता। इसलिए आप नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से भी अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और अपने परिवार का भी बहुत बेहतर तरीके से भरण पोषण कर सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को नई पारी खेलने के लिए जीवन का, और परिजा फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहाँ के बच्चों को आप लोगों ने इतनी बेहतर तालीम दी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबको। इलेक्ट्रीशियन बैच एक लाइन में है सर, एक एक ग्रुप वाला, एक एक ग्रुप, एक एक ग्रुप, एक 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 तरफ, एक इधर वाले को, एक इधर वाले को, सब बीच में आ जाइए सर, बीच में आ जाइए आप लोग आगे आ जाओ, पीछे जाओ, बाकी हल्का सा पीछे जाओ। शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।